a good mentor who can divert his capabilities into goal-achieving efforts. Mahesh sir and Harish sir, I think, are one of the best mentors, guide, who can exploit all-round capabilities of a student and make them achiever. मैंने आर्यन क्लास इसलिए चूज़ किया है कि यहाँ सर खुद पढ़ाते हैं, किसी को ठेकेदारी में नहीं देते, जबकि कुछ बड़े इंस्टीट्यूट ठेकेदारी में आगे देते हैं, टीचर आता है एक घंटे की, उसके बाद लिमिटेशन होती है या दो घंटे की होती है, सर के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक बच्चे की समझ में नहीं आता सर पूरे टाइम में पढ़ाते हैं। मैं अंजू सेठ स्कूल में टीचर हूँ। बींग टीचर और बींग मदर, मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छा टीचर, एक आइडियल टीचर चाहती थी, क्योंकि मैं अपने बच्चे के पोटेंशियल, उसकी एनर्जी, उसका कैलिबर जानती थी, और मैं चाहती थी ऐसे टीचर्स जो उसके अंदर छिपी प्रतिभा उसको पहचाने, उसको राइट डायरेक्शन में, उसकी एनर्जीज को, उसके पोटेंशियल को डालें, सो दैट कि उसका कुछ अच्छा करियर बने, सक्सेसफुल हो लाइफ में। और मैं बहुत लकी हूँ, मेरा बेटा वरुण सेठ, जिसने 2009 में यहाँ से कोचिंग ली थी, अब वो IIT कानपुर में है, उसने सर को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो किया है। यहाँ पर क्लासेस 4 या 6 घंटे की होती थी, पर यहाँ सर उसको पूरा टाइम देते थे, 12 घंटे तक भी वो यहाँ बैठ के पढ़ाए कि कुछ प्रॉब्लम्स हों ताकि वो यहीं बैठ के पढ़े और यहाँ उनसे डिस्कस कर लें। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एंट्रेंस में, और सर जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए थे वो सब में बहुत अच्छे मार्क्स से उसने क्लियर किए थे। मैं विनीता कुमारी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्रह्मपुरी में साइंस TGT हूँ, और सर के आर्यन क्लासेस में मेरे बड़े बेटे ने 2004-05 में एडमिशन लिया था, और तब तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। धीरे धीरे जैसे ऐसे टाइम बीता गया, हम समझते गए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे बच्चों को सर का साथ मिला, सर की गाइडेंस मिली, और सर बिल्कुल जो इनकी नॉलेज है, जो इनका ज्ञान है, जो इनके अपने सब्जेक्ट में जो मास्टरी है, बच्चे इनके सर की पर्सनैलिटी से, सर की थिंकिंग से, इनके नॉलेज से इतने इम्प्रेस्ड रहते हैं कि आज भी सर को अपना आइडियल मानते हैं और सर की वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं। मेरे बड़े बेटे ने यहाँ से BTech DC से BTech कंप्यूटर साइंस किया, मेरी बेटी भी BTech कंप्यूटर साइंस में अभी है, और छोटा बेटा यहीं से 12th क्लास अभी पास आउट करेगा। तो मैं तो जो भी है, मेरी फैमिली में भी जितने बच्चे आगे हैं, मैं सबको यही रिकमेंड करती हूँ। सब हमारी फैमिली के भी सभी बच्चों ने, मेरी सिस्टर के बच्चों ने, मेरे ब्रदर के बच्चों ने, सब ने यहीं से किया, और सभी अच्छी अच्छी जगह से अब सेटल्ड हैं। और मैं होप करती हूँ कि आगे भी, जो मैं तो यही सबको गाइड करती रहूँगी कि अगर सर का सानिध्य मिल जाए, सर की गाइडेंस मिल जाए, तो बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाएंगे। मेरी बिटिया ने 10वीं के बाद ये डिसीज़न लेना था कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देना है, लेकिन उसके लिए कोचिंग शुरुआत करनी थी। तो हमने काफ़ी रिसर्च की कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ जेन्युइनली और सिंसियरली बच्चे की बच्चों को गाइड किया जाता है। तो हमें आर्यन क्लासेस का कोई रेफरेंस मिला, तो हम यहाँ आए। तो यहाँ पे जब हम महेश सर और हरीश सर से हमारी मुलाकात हुई, तो हम बहुत प्रभावित हुए, और यहाँ का जो वातावरण देखा तो उसमें ऐसा लगा कि जो स्टूडेंट और जो टीचर का संबंध है, इतना घनिष्ठ संबंध और इतना प्रगाढ़ता हमें देखने को मिली, और उनसे जो इंटरेक्शन हुआ, हम प्रभावित हुए, और हमने इंस्टेंटली डिसीज़न लिया कि यही वह स्थान है जिसकी हम खोज कर रहे थे। और अल्टीमेटली जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, तो तब हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो केवल लिमिटेड आवर्स में ही नहीं पढ़ा रहे, पूरा टाइम वो यहाँ पे अवेलेबल होते थे। हमारे बच्चे 12-12 घंटे, 14-14 घंटे इंस्टीट्यूट में रहे हैं, और हमें बीच बीच में फीडबैक मिलता रहता था कि बच्चे
बच्चा कहाँ कमी कर रहा है, तो हमें उन्हें काउंसलिंग के लिए भी हमें यहाँ आना पड़ा, और इतना बीच में हमें टाइम मिला कि हम बच्चे को भी गाइड कर पाए, और बच्चे का जो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट होते देखा, तो वो हमारे हमें आश्चर्यचकित कर देने वाला था। और उसके बाद जब बच्चे ने जो भी एग्ज़ाम्स एंट्रेंस के दिए, तो उसमें उसे जो आशा थी उसके बियॉन्ड उसको सफलता मिली, और हमने जो उम्मीद थी बिल्कुल 99% हमारी उम्मीद नहीं थी, 1% उम्मीद थी, लेकिन हमारा बच्चा वहाँ पर सफल हुआ, और आज हमारा बच्चा बहुत खुश है, और हमें लगता है कि वो भविष्य में अपना एक अच्छा स्थान बनाएगा। और यहाँ के वातावरण से बच्चे पे तो प्रभाव पड़ा ही, लेकिन मैं स्वयं इतना प्रभावित हूँ कि पढ़ाई के अलावा जो उनके अंदर संस्कार भरे गए, जो उन्हें योग की यहाँ पर शिक्षा दी गई, प्राणायाम आसन वगैरह कराए गए, तो उससे बच्चे का एनर्जी लेवल बढ़ा, उसकी रिटेंशन की पावर बढ़ी, और बच्चा की पर्सनैलिटी अलग से निखर करके आई। तो हमारा निर्णय बहुत अच्छा रहा, और मुझे आज की डेट में जो भी मिला है, तो मैंने निश्चित ही उनको कहा है कि आप आर्यन क्लासेस में अगर आप ज्वाइनेंगे तो आपको जो सफलता मिलेगी, आपके बच्चे को सफलता मिलेगी, आप उसके लिए हमेशा ही अपने आप को धन्य मानेंगे। और मैं अपना परिचय भी दे देता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और पब्लिक सेक्टर कंपनी क्रिप्को में मैं जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। सुरभि है, इसने लास्ट ईयर यहाँ से कोचिंग ली थी, अभी IGIT में है। इसने यहाँ से इतना कुछ सीखा जितने की मुझे उम्मीद नहीं थी। इस बच्चे की ज़िंदगी में इतना डिसिप्लिन, इतनी ओबीडियंस इस बच्चे ने यहाँ से सीखी है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी। ये सर ने इसको बताया बच्चे को कि आप रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। मेरी बड़ी बेटी ने भी बीटेक किया, जॉब कर रही है, लेकिन उसको एक गलत आदत थी, वो रात को देर तक पढ़ती थी, लेकिन सर ने इसकी आदत कि आप सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो, इस बच्चे के बहुत काम आ रही है। और आज ये बीटेक कर रही है, उसमें भी जो सर की सिखाई हुई बातें हैं ये उन्हें फॉलो करती है, और ये उसके बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं। यहाँ सर ने इसे योगा, बच्चों को डिसिप्लिन, ये सब बातें सिखाई। मुझे लगता है ये हमेशा के लिए इसकी लाइफ के लिए एक बहुत ज़रूरी बातें, बहुत इसके लिए असेंशियल बातें जो थी वो सिखाई गई, जो इसे पहले कभी नहीं सिखाई गई थी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे इसे फ़ायदा मिला, अगर आप सर को फॉलो करते हैं, महेश सर, हरीश सर जो भी कह रहे हैं, तो आपको शायद लाइफ में इतना अचीवमेंट, इतना अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा कि जो हमने यहाँ पाया वो शायद हम कहीं और नहीं पा सकते थे। इफ यू वॉन्ट टू रीच योर गोल, देन ट्रस्ट इन योर टीचर एंड आई टूवर्ड्स योर गोल। रोल ऑफ टाइम, यू कैन बाय एनीथिंग विद द मनी बट नॉट टाइम, सो डोंट वेस्ट इट, यूज इट प्रॉपर, एंड ऑलवेज कीप योर टारगेट इन योर माइंड एंड वर्क हार्ड फॉर दैट। रोल ऑफ अ फ्रेंड, दोस्त हमेशा वही बनाने चाहिए या वही होने चाहिए जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो। यूज ऑफ प्राणायाम एंड योगा, प्राणायाम योग साधना करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है। इस जगह पे मैं बचपन से आ रहा हूँ, और बहुत ही शानदार पार्क है। एक आरी जो है वो तभी ज़्यादा पेड़ काट सकती है जब वो धारदार हो, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए आउटडोर स्पोर्ट्स वो बहुत शानदार चीज़ होती है। रिलैक्सेशन एज वेल एज एनर्जी दोनों, बहुत मज़ा आता है यहाँ आके, 12 महीने आता हूँ मैं, और बच्चों को भी मोटिवेट करता हूँ कि वो भी पढ़ाई के साथ खेलें भी ज़रूर।
बच्चों को जो फोकस मिलता है पढ़ाई करने में और जो पर्सनैलिटी में जो पॉजिटिवनेस होती है वो कमाल की है। ये हम पिछले 7-8 साल से करा रहे हैं और उससे जो ऑर्डिनरी बच्चा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे रहा है। योग और प्राणायाम से एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो रहा है, पढ़ाई में बच्चों को बहुत मदद मिलती है क्योंकि समाज में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। बच्चे अलग अलग तरीके से, हम बच्चों को फिजिकली क्लास में तो बैठा देते हैं लेकिन उनका ध्यान जो है वो पढ़ाई में नहीं होता, वो कहीं और होता है, तो उसके लिए ये योग और प्राणायाम बहुत कमाल की चीज़ है। आइए हम लोग सब मिलके करते हैं। अपना ब्रेकफास्ट लेना चाहें, कितनी शांति मिलती है, शांति और खुशी के साथ स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई करने का मज़ा ही कुछ और है। बच्चे आजकल के ज़माने में जो स्ट्रेस है, जो एंगर है, जो फियर है, इन सब को दूर करके अगर हम खुशी से और विद इंटरेस्ट अगर हम पढ़ाई करते हैं जो हमें बोझ भी नहीं लगता, तो उसके लिए जो हम आर्यन क्लासेस में ये योग और प्राणायाम कर रहे हैं और जो हमारी बच्चे क्लास खुशी खुशी अटेंड करते हैं वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है और मैं समझता हूँ एजुकेशन फील्ड के लिए अपने आप में एक मिसाल है। I hope this will be very beneficial for students as well as their parents. If you cannot approach me directly or if you have any suggestion, you can contact me on my email ID.